ये मोटर पंप, ये जनरेटर सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया ये शेड। शेड के नीचे चौकोर आकार के बने टैंक और टैंकों में हरियाली के लिए पानी में पल रही मछलियाँ। दरअसल ये मॉडर्न फिश फार्मिंग की झलक है। इस तकनीक को अपनाकर आप भी अपने गांव घर में ही हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सालों से मछली पालन का काम करने वाले वाराणसी के गांव चुप्पेपुर के रहने वाले विक्रांत पाठक ने इसको जमीनी तौर पर साकार भी किया है। वो आज इस नई तकनीक से मछली पालन कर पुरानी विधि की तुलना में 5 से 6 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। बहुत आसानी से हम लोग यहाँ करीब 500-600 क्विंटल मछली हर साल प्रतिवर्ष बेच लेते थे अपने घर से। कहीं जाना नहीं पड़ता, आराम से। बाहर के व्यापारी कई जिलों से आते हैं, अपने लोकल व्यापारी भी रहते हैं, जो कि माल आसानी से बिक जाता है। अब आपके मन में ये सहज ही सवाल उठ रहा होगा कि मछली पालन की ये नई तकनीक क्या है और इसमें मछलियों को कैसे पाला जाता है। तो जनाब, ये है RAS सिस्टम, जिसमें कम जगह में ही ज्यादा उत्पादन मिलता है और कमाई भी लाखों में होती है, जिसके चलते विक्रांत ने इस तकनीक को चुना, जिसके लिए उन्होंने पहले 25x25 के 8 टैंक बनवाए और फिर इन टैंकों में RAS तकनीक से मछली पालन का काम शुरू किया। विक्रांत बताते हैं कि इस तकनीक में 6 महीने में ही मछली का वजन 600 ग्राम के करीब हो जाता है और साल भर में इन 8 टैंकों से उन्हें लगभग 100 टन मछली का प्रोडक्शन मिल जाता है। इस साल हम लोग आर्यास और कच्चे निर्माण के तालाबों में हम लोग करीब करीब 2 लाख बच्चे डाले हैं, जिससे कि हम लोग की आमदनी 30 से 35 लाख रुपए सालाना हो जाए। विक्रांत के मुताबिक 1 किलो की मछली तैयार करने में कुल 70 रुपए का खर्च आता है, जबकि होलसेल में ये मछलियाँ औसतन 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक जाती हैं, जिससे प्रति किलो उन्हें लगभग 35 रुपए की बचत हो जाती है। RAS टैंक बनवाए पक्के निर्माण का, तो 600 ग्राम साइज की मछली निकालते हैं और कच्चे तालाब में भी हम लोग पालते हैं, जो कि हम लोग 1 किलो साइज की मछली निकालते हैं। 1 किलो की मछली साइज हम लोग के यहाँ 120-125 रुपये किलो बिक जाता है आसानी से। और RAS प्लांट में जो टैंक में लोग बच्चा पैदा करते हैं, मछली पैदा करते हैं 600 ग्राम साइज का, वो 100 रुपये किलो बिकता है। मछली पालन के इस काम में विक्रांत को घर की महिलाओं का भी भरपूर सहयोग मिल जाता है। उनके घर की महिला सदस्य सुधा पाठक, जो कि उनके भाई की पत्नी है, मछली पालन के काम में विक्रांत का पूरा सहयोग करती हैं। वो बताती हैं कि इन टैंकों में पेंगेसिस यानी प्यासी मछलियों का पालन किया जाता है। एक टैंक में लगभग 8000 के करीब फिंगरलिंग डाला जाता है और टैंक में पानी का लेवल 1 से 1.5 मीटर तक रखा जाता है। टैंक में हम लोग 8000 बच्चे डालते हैं जो है, और 8000 बच्चे की में मतलब उसमें पानी की मात्रा हम लोग 1 मीटर करते हैं जो है, और फिर जैसे जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे 1.5 मीटर पानी करते हैं। सुधा बताती हैं कि मछलियों को वजन और उम्र के हिसाब से क्रमशः 1, 2, 3 और 4 नंबर का चारा दिया जाता है। जैसे फिंगरलिंग साइज की मछलियों को 1 नंबर वाला चारा यानी 1 mm का चारा खिलाया जाता है, जिसे इसी क्रम में 15 से 20 ग्राम तक 1.5 mm, 40 ग्राम की मछलियों को 2 mm का चारा, 100 ग्राम से ऊपर 3 mm का चारा और उससे ऊपर के वजन वाली मछलियों को 4 mm का चारा दिया जाता है। फिंगरलिंग मछलियों को जो है हम लोग 1 नंबर का चारा, 1 mm का चारा खिलाते हैं। 15 से 20 ग्राम की मछलियों को जो है हम लोग 1.5 mm का चारा खिलाते हैं। 40 ग्राम की मछली को हम लोग जो है 2 नंबर का चारा खिलाते हैं, और इससे जब बड़ी मछलियां हो जाती हैं तो हम लोग 3 नंबर का चारा खिलाते हैं। सुधा की माने तो इस विधि में तमाम तरह की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि मछलियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और मछलियों का विकास भी अच्छा हो। सुधा बताती हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर के निर्माण में उन्हें 50 लाख रुपए खर्च करने पड़े, जिसमें से सरकार द्वारा 20 लाख अनुदान के तौर पर मिल गया। इस तरह विक्रांत और सुधा के बताए तरीकों से आप भी कम जगह में ज्यादा मछलियों का पालन कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं।
बस जरूरत है नई तकनीक के साथ सही मार्केटिंग चेन की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।